आपने बोला ना कि आप लोग बोलते हो डेथ में योकर, वो आप लोग बोलते हो, हम लोग नहीं बोलते। हम लोग कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, जब जरूरत होती है योकर डालने तो योकर भी डालते हैं। हाँ नहीं डलती वो अलग बात है, लेकिन आज विकेट ने जो डिमांड किया कि वो लेंथ बॉल डालनी है, हमने भी डाली, दूसरी टीम ने भी डाली, तो आई थिंक विकेट वैसा था कि वो चीज़ को सपोर्ट कर रहा था। वो भी किसी भी स्टेज पे ऐसा लगा लग रहा था बाहर से कि टाइट मैच है, आप लोगों को कभी भी ऐसा लगा कि भाई मैच वाकई में जा सकता है उधर? सर पूरे 10 ओवर के बाद टाइट ही टाइट मैच था तो हाँ ऐसे मैच में कहीं भी जा सकता है, बट जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की और जड्डू ने बैटिंग की तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बैटिंग थी कि हम लोग मैच जीत गए। बट ऑनेस्टली मैच 50-50 था लास्ट, जब तक मतलब हार्दिक ने जाके रन बनाया उससे पहले बिल्कुल 50-50 था, और हम लोग भी यही प्ले कर रहे थे कि वो रन बनाए, बट हाँ डेफिनेटली मैच 50-50 था। आपने 10 ओवर के बाद काफी करीब करीब था मैच, पर 10 ओवर से पहले व्हेन अर्ली ऑन यू टुक बाबर्स विकेट, तो आपको लगा कि हाँ जी आधी पाकिस्तान की टीम यही आउट हो गई बिकॉज़ बाबर सबसे ज्यादा स्कोर करता है पाकिस्तान के? नहीं बिल्कुल, वो स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं सोचा था कि आधी टीम आउट हो गई है, क्योंकि टेक्निकली और 9 बैट्समैन बचे थे, वो भी सब अच्छे बैट्समैन हैं। एज अ टीम हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर उनका बेस्ट बैट्समैन आउट हो गया तो आधी टीम आउट हो गई है, बट डेफिनेटली उन्हें आउट करने के बाद लगा कि हाँ उनका जो एक एंकर का रोल प्ले करता है वो कहीं ना कहीं उनका डिस्टर्ब होगा, तो आई थिंक उन्हें वापस बिल्डअप करना पड़ेगा। या तो मी यू ऑप्टेड बॉलिंग फर्स्ट, तो अगर कंडीशन पहले स्टडी की थी क्या रीजन थी बॉलिंग फर्स्ट के लिए, लाल पाव बॉल बोला? नहीं वही जिस तरह से विकेट था, आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट ही अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि विकेट में थोड़ी ग्रास थी और ग्रास जो पैची थी आई थिंक जो बैट्समैन के लिए बहुत सूटेबल नहीं थी, तो वो रीज़न था कि हम लोगों ने पहले बॉलिंग की। हार्दिक, यू बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर इन दिस लाइनअप एंड टू टेक फोर विकेट्स ऑफ 26 रन्स एंड इन अ प्रेशर गेम लाइक पाकिस्तान, हाउ डू असेस योर परफॉर्मेंस एंड द एक्सपीरियंस यू ब्रिंग टू द साइड? I'm very happy with the performance, not just the wicket. I mean, yes, when you get the wicket, you always feel happy and you contribute to the team. But sometimes, as bowling economically is also contribution to the team. And when you get wicket, you always add an extra thing to that. But it's not just me. The way Hardik bowled, the others bowled, I think it was a complete bowling performance. वही हार्दिक की फिटनेस जिस हिसाब से इम्प्रूव हुई है बैटिंग बॉलिंग, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में भी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक होंगे? नहीं बिल्कुल होंगे, जिस तरह से वो बैटिंग बॉलिंग करते हैं और अभी जो करते आ रहे हैं पिछली कुछ सीरीज से, तो मैं तो यही प्रे करूंगा कि वो ऐसी ही परफॉर्मेंस करे वर्ल्ड कप में भी, और हमारे लिए भी अच्छा होगा, और इसी फॉर्म में रहेंगे तो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा हमारे लिए। इधर से बैट्समैन को आउट थिंक करना ये बात, क्योंकि आज जो आपने बाबर की विकेट निकाली वो महेश्वर कुमार नॉर्मली लाइन लेते हैं, स्टंप टू स्टंप करता है, ये थोड़ा आउट थिंक करना ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ये बड़े मैच में? आई थिंक बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी बॉलर के लिए या किसी भी बैट्समैन के लिए, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि सब लोग एज्यूम करते हैं, या प्रोएक्टिव जो हम एक बात करते हैं वो एज्यूम करते हैं कि बैट्समैन ये करेगा या बॉलर ये करेगा, या विकेट में स्विंग सपोर्टिव नहीं था तो आई थिंक जो बाउंस आता था तो वो चीज़ थी, तो आई थिंक वही है कि आप प्लान करते हैं, आपको बैट्समैन के बारे में पता रहता है पहले से कि बैट्समैन की ये स्ट्रेंथ है, और जब आप एक दो बॉल डाल चुके होते हैं तो विकेट से और पता लगता है, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि सोचना गेम के बारे में एक उतना ही ज़रूरी फैक्टर है जितना आपके पास स्किल्स हैं। उस चीज को के बाद उस मैच पर आ जाओ खेल में, उस चीज को पीछे छोड़ के और इस मैच के लिए फ्रेश तैयारी करके आना और फिर चार चार विकेट ले जाना, हाउ डिड यू तो पुराना पास्ट भूल के आज पे फोकस करते थे? नहीं जब वो वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो हम सब भूल गए थे वहाँ पे, आई नो कि सब लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि इंडिया पाकिस्तान में लास्ट हम लोग हारे थे वो प्रेशर रहेगा, बट ऑनेस्टली एज अ क्रिकेटर या एज अ टीम हम लोग वो नहीं सोचते कि लास्ट मैच हम लोग हारे थे, वो हम आप लोग को याद है पाकिस्तान से आ रहे हैं बट हम और टीम से भी मैच आ रहे हैं, अगर किसी और टीम से सीरीज होती है वो तब हम बात नहीं करते, क्योंकि इतना हाई हाई प्रेशर वाला मैच है तो हम लोग बात करते हैं, बट एज अ टीम एज अ प्लेयर हम लोग वो चीज़ पीछे छोड़ के हर हर नेक्स्ट सीरीज की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट मैच की तैयारी करते हैं। हम लोगों ने जो आगे प्रिपरेशन की वो इस तरह से की कि हमें इस सीरीज में अच्छा करना है, जो वर्ल्ड कप में हो चुका वो हम सब भूल गए थे। Rohit mentioned that in the last few years, you guys have played quite a lot, so you're very familiar with the pitches.
But this is a different time. The weather conditions are much more different, and I feel the dew is less. What did you think? Did you think that the pitch played as you expected, or it was just completely different? No, it played as we expected. The way pitch looked, I think it played exactly the way we expected. And yes, definitely there wasn't any duel in the World Cup. When you lose the toss, I think I wouldn't say half of the match, but yes, you know, most of the match, the majority is go towards the, you know, the who wins the toss. So yes, conditions are quite different from the World Cup now. So even if you lose the toss, that there's not any duel, so you can, you know, come back in the second inning as well. When you prepare for opponents, do you look at how much of importance do you give to data, and how much of importance do you give to video analysis, and those other factors? No, we do give importance to all those things. I mean, not so much importance, but we consider that, you know, that particular batsman scores, you know, a percentage of run in this area or this particular shot. So yes, we do consider that, and accordingly we planned a strategy against the batsman, and that also includes the ground dimensions of where we're playing. And then last two questions. Yes, sir. Okay, how did you adapt to this heat and practice for this kind of spell? What did you do exactly? Especially for the heat, it's not the preparation on the ground. I think it's a basic thing which trainer and physios tell us to do. I think hydration is the one thing. So I think that's what we've been doing. But honestly, you cannot prepare for these heat till you play the match. So we've been preparing for the match. But still, when we went onto the field, it was pretty tough for us. So yes, when you play a couple of matches, then you get used to these heats. Rules in terms of overheads and the fact that you utilize to have one person inside the ring. You were beneficiary in West Indies again this evening, but you ended up pulling three overs short. Yeah. Is that something that you discuss a lot in the dressing room? And why do we end up pulling three overs short? No, we do discuss, definitely. I mean, it's one of the points where you can win or lose the match. So today we were lucky that even Pakistan was short in the last three overs. So it was evenly, you know, poised them. But yes, we always talk about the run rate, because even in the final of the Asia Cup or even the World Cup, if this happens, we can lose the match, and that's not the nice way to lose the match. So we always address these things, and definitely this thing will be addressed in the next meeting we'll have. Final question. जब आपका power play खत्म हुआ था, तो presentation में आपने कहा था कि India को batting भी जाकर power play अच्छे से खेलने. Expect कर रहे थे कि Naseem Shah कम age का bowler और debut कर रहा है, इतनी अच्छी ball डालेगा. नहीं, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो अच्छे बॉलर होंगे. तो आप लोग हमें या हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने खेल रहा है अच्छा ही बॉलर होगा, जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में भी विकेट लिया. तो बट एज अ बैटिंग टीम हम लोग यही, या बाहर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हम वो पहले छः ओवर अच्छे खेल जाएँ, उसमें कम विकेट दें, तो आई थिंक हम बाद में वो कवर कर सकते हैं. आप लगातार बेहतर भी कर रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज भी जीते हैं, वहां पर एक मैच और वहां से यहां तक का सफर, थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं आप? मतलब हमने आपको अलग अलग स्टेजेस में देखा है, लेकिन ये अगेन ऐसा लग रहा है कि वो 2017-2018 वाले भुवनेश्वर कुमार वापस आ रहे हैं. ऑनेस्टली मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया. आई थिंक वो एक मैच अच्छा नहीं गया, किसी के साथ भी होता है, बट उसके बाद वापस मैं जो मैं पहले करता था वही चीज़ें की, वही सेम प्रैक्टिस, सेम रूटीन, सब चीज़. आई थिंक यू नीड अ बिट ऑफ लक. तो आई थिंक लक ने फेवर किया, अच्छी परफॉर्मेंस हुई, सब चीज़ें यू नो मेरी तरफ गई. बट ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया कि जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने चीज़ें की थी. आई थिंक जो जनरली हम बात करते हैं ऐसे क्रिकेटर की, वो सेम बोरिंग रूटीन, वही सब किया, वही सब चीज़ें चलती रही. आई थिंक सच तो यही है.